वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम सीखेंगे 5 digit 6 digit नंबर्स के कंपैरिजन। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में, क्लासेस छोटी थी तो आपने 4 digit तक सीखा था कि कैसे 4 digit मतलब 1000 place तक कैसे हमें कंपेयर करना है नंबर को। और कंपैरिजन में क्या होता है कि आपको प्लेस वैल्यूज ही देखनी होती है कंपेयर करने के लिए। जितनी ज़्यादा प्लेस वैल्यू होगी उतना वो नंबर बड़ा होगा, और जो बड़ी प्लेस वैल्यू है वहाँ से हमें नंबर को देखना होता है। मतलब जिसकी डिजिट ज़्यादा वो नंबर बड़ा। तो हमें पता है कि कंपैरिजन करने के लिए 3 साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। इन्हीं तीनों जो साइन है यही आप कंपैरिजन में लगाते हैं और इन्हीं के थ्रू आप कंपेयर करते हैं कि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, स्मॉलर है या दोनों नंबर इक्वल हैं। ठीक, वाइल कंपेयरिंग 5 digit नंबर रिमेंबर दैट द नंबर विद द हायर डिजिट इन 10,000 place इज ग्रेटर। इफ द डिजिट इन द 10,000 place आर द सेम देन कंपेयर डिजिट इन द 1000 place देन 100 place देन दोज इन द 10th place एंड लास्टली दोज इन द 1th place। मतलब सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर, मतलब हम 5 digit नंबर कर रहे हैं तो हमें 10,000 को कंपेयर करना है। 10,000 का नंबर सेम है तो 1000 के नंबर पे जाएंगे। 1000 का अगर सेम है तो फिर हमें 100 के नंबर देखने होंगे। 100 के भी सेम है तो फिर आपको 10th के भी देखने होंगे। और मान लीजिए 10th का भी सेम है तो लास्टली आपके पास ऑप्शन बचता है 1's की प्लेस। अब उसमें जो नंबर बड़ा होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। और आपको पता है कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, तो 0 सबसे छोटा होता है और 9 सबसे बड़ा होता है। तो किसी में 9 पहले आएगा तो वो नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 कंपैरिजन दिया है, 26690 जिसे हम बोलेंगे 26690। द नेक्स्ट इज 26758। ओके, तो चलिए अब इस तरीके से आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लेस वैल्यूज लिख दी गई हैं जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखने के समय नंबर हम इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, कंपेयर करने के लिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिख दी गई है और नंबर लिख दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है 10,000 की प्लेस। तो दोनों नंबर लिखे हुए हैं 10,000 की प्लेस में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब नंबर सेम है। फिर 1000 की प्लेस देखनी है, 1000 की प्लेस में भी 6 एंड 6 नंबर सेम है। अब हमें 100 की प्लेस में देखना है, इस तरफ से इस तरफ आते जाना है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। अब 100 की प्लेस में यहाँ पे 6 है और 100 की प्लेस में यहाँ पे 7 है, मतलब यहाँ पे नंबर अलग हो गए। मतलब अब हमें जो चेक करना है वो हमें 100 की प्लेस में चेक करना है कि नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मतलब 600 हुआ और यहाँ पे 700, तो 6 इज स्मॉलर देन 7। सो इफ 6 इज स्मॉलर देन 7 तो ऑब्वियसली द नंबर 26,758 इज ग्रेटर देन 26,690। तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन करना होता है। अब ये 5 digit जो नंबर्स हैं, मतलब 10,000 के नंबर जो है, उनमें एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 43,234 एंड 34,112। तो सिंपली यहाँ पे देखिए 10,000 की प्लेस देखनी है, तो 10,000 की प्लेस में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें पता है कि 4 बड़ा होता है 3 से, इसलिए ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। यहाँ 57,006 और यहाँ 29,999। तो हमें 10,000 की प्लेस देखना है, तो 10,000 की प्लेस मतलब पहले वाले नंबर,
तो यहाँ 5 है, यहाँ 2, और हमें पता है कि 5 बड़ा होता है 2 से, इसलिए ये बड़ा है। अब हमने 10,000 तक के नंबर कंपेयर कर लिए हैं, लेकिन हमें पता है कि हम क्लास 4 में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड नेशनल मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम नंबरों को कंपेयर कर रहे हैं। तो 10,000 तक सेम था 5 डिजिट नंबर, लेकिन जब 6 डिजिट नंबर्स हो जाएं, मतलब 6 डिजिट नंबर हो जाएं और वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखे हों या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखे हों, तब उन्हें कैसे कंपेयर करना है। तो किसी भी सिस्टम के हिसाब से नंबर लिखे हों, चाहे वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, सबको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें लगाना होगा। तो फॉर एग्जांपल कंपेयर द नंबर्स, अब यहाँ पे किस सिस्टम के हिसाब से लिखा है हमें पहले वो चेक करना होगा। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी पीरियड्स इंटरनेशनल और इंडियन के बारे में बताया है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। कि सबसे इजी तरीका पहचानने का कि इंटरनेशनल है कि नेशनल है, सबसे फटाफट तरीका है कि आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 2 कॉमास मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली हम 6 डिजिट पढ़ रहे हैं। तो आपको 6 डिजिट हो चाहे 7 डिजिट हो, आपको 2 कॉमास मिलेंगे, तो आपको समझ जाना है कि इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के हिसाब से लिखा है, मतलब ये लाख तक लिखा हुआ है ना। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू बना ली, 0 0 मतलब सॉरी इट्स वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख। ठीक, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिख ली और उन नंबरों को लगा दिया। अब हमें एक एक करके लैक्स की तरफ से चेक करते हुए वंस की तरफ पे आना है। तो जहाँ पे नंबर डिफरेंट लगे वहाँ पे हमें कंपेयर करना है। तो जैसे कि लैक्स पे 2 है, तो दोनों नंबरों पे लैक्स पे 2 है, तो अब हमें आगे बढ़ना है, 10,000 देखना है, 10,000 पे 3 है और यहाँ भी 10,000 पे 3 है, 1,000 पे यहाँ 4 है और 1,000 पे भी इस नंबर पे भी 4 है, मतलब यहाँ तक ये दोनों नंबर सेम हैं। अब हमें 100 की प्लेस देखनी है, यहाँ पर भी 100 की प्लेस में 7 है और यहाँ पे 5 है, दोनों अलग हो गए। तो अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, अगर यही ग्रेटर है तो ये पूरा नंबर इस नंबर से ग्रेटर होगा। सो 2,34,715 इज ग्रेटर देन 2,34,517। सो ये तो हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। अब कंपेयर नंबर्स, ये दिए हुए हैं दो नंबर्स, तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जिसमें एक कॉमा हो, समझ जाइए वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि अभी हम बहुत बड़े नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, 6 डिजिट का ही नंबर पढ़ रहे हैं, मेनली देख रहे हैं, तो 6 डिजिट तक, तो इसलिए एक कॉमा है, तो समझ जाइए आप कि ये इंटरनेशनल है, दो कॉमाज है, सेपरेट है नंबर, तो वो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये आपको मिल गया। अब इसका प्लेस वैल्यू जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंडियन से, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड आफ्टर दैट 100,000। हमारे वहाँ पे लैक हो जाता है और नया पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये एक पीरियड हुआ, वंस, टेंस, हंड्रेड का एक पीरियड, थाउजेंड, 10,000 का एक पीरियड होता है और उसके बाद लैक, 10 लैक का एक पीरियड होता है। ये हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से होता है, बट यहाँ पे इंटरनेशनल में वंस, टेंस, हंड्रेड एक पीरियड होता है, 10,000 10,000 एंड 100,000 एक पीरियड होता है। तो यहाँ पे दो ही पीरियड्स हैं, तो यहाँ पे हम उसी पीरियड के हिसाब से इन नंबरों को लगा देंगे। और अब कंपैरिजन वैसे ही करना है, 100,000 से बढ़ते हुए हमें वंस की तरफ आना है। तो चेक करिए, यहाँ पे देखिए 100,000 की प्लेस पे सेम 2,2 है, 10,000 की प्लेस पे सेम 3,3 है, 1,000 की प्लेस पे यहाँ 1 है और यहाँ पे 1,000 की प्लेस पे 3 है। तो 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 1 इज स्मॉलर देन 3, मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस नंबर 233,000
563 is greater than 231,563। तो इस तरीके से आपको नंबर कंपेयर करना है। नंबर कंपेयर करना आएगा तो आपको ए बड़े डिजिट के जो नंबर होते हैं 5, 6, उनका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करने में इजी होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।